उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, इसके बाद परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि पैसों को लेकर युवक की हत्या की गई है। मृतक मोदहा कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रात में इन लोगों को ढूंढते रहे, हम लोग को 5 बजे गायब हो गए थे। ये देश राज को लेवा के घर आया था, देश राज, और देश राज के इराक मुझे वहाँ तक छोड़ दो, बोरिंग तक। ये लोग बोरिंग तक गए, वहाँ से गायब हो गए हैं। फिर वापस रात भर नहीं मिले इनको, बोलते पुलिस सूचना भी दिया, रात भर ढूंढते भी रहे, सुबह मिट्टी मिली यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको, मर्डर हुआ कि क्या मारा गया कि क्या हुआ? मारा गया है। किसने मारा है अभी तो हम कह नहीं सकते, मान लो कौन मारा है। जो साथ में लेवा गया, जो साथ में गया था उसकी, कौन साथ में था? देश राज लेवा गया था घर से। कहाँ का रहने वाला? ये लड़ौर का है। सुबह थाना मोदा के ग्राम चकदा में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस, थाना पुलिस और पीआरसी द्वारा मौके पर पहुंचा गया, जांच पड़ताल की गई, तो मृतक की पहचान है वो गांव के ही जगन्नाथ कुशवाहा, जिनकी उम्र करीबन 40 वर्ष है, उनके रूप में हुई। मौके पर फॉरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी मौजूद हैं, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक बताने कार्रवाई की जाएगी। शव का पंचायतनामा विभाग के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जितने भी पहलू हैं सब पे जांच की जाएगी। नेशन मिरर के लिए हमीरपुर से स्वनेश कुमार की रिपोर्ट।